कितनी कॉलें की आपको? ये सारी की सारी मैं आपको कॉलें कर करके थक गया, तो आप इधर मजे से सोए में। अच्छा तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये बात है, बस भाई आज इस गाड़ी का रिव्यू करना है यार। ये आज गंदी है, ये कल भी आपने ले की है। तो ये जो भी शजील भाई लगा रहे हैं, मेरे हाथ देखो यार कैसे जो है ना वो रेड हो गए हैं। ज्यादा जो है ना वो रश लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आज से जैसे कि मेट्रो में नहीं आज हम लोग किसी। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा काफ़ी ज़्यादा मज़े वाला है और काफ़ी दिनों बाद यार आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सबसे पहले मज़े की बात बताऊँ तो आज मेरे साथ शर्जील भाई भी हैं और काफ़ी दिनों बाद शर्जील भाई भी जो ना आगे पीछे गए थे यार आई गेट वाली साइड पर, ये भी जो है जॉब के सिलसिले में वहाँ पर चले गए थे। इनका भी चैनल बना हुआ है बट वो आपको पता ही है गाड़ियों के रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, बट ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, कहते यार मैं भी फिलहाल नहीं बनाऊंगा। तो जब से इनको पता चला कि भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फर्स्ट पेमेंट आ चुके हैं, तो उसके बाद जो है ना ये भी यहाँ पे आ चुके हैं। सो अभी हम लोग सबसे पहले यार हम लोगों ने जाना है यार मरकज साइड पर जाना है, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने दो तीन गाड़ियाँ उनका रिव्यू वगैरह करना है। तो इसलिए आज शर्जील भाई हैं, इन्होंने रिव्यू वगैरह भी करना है और मैंने सबसे पहले बैंक में जाना है। हमारा खड़ा हुआ है बाइक और शर्जील भाई आओ ना यार, वेलकम तो कर दो आप। वेलकम, आपने क्या करनी है बनाना, हाथ में पकड़े खड़े हुए हो। फाइनली अभी जो है ना हम लोग मरकज में तो आ चुके हैं, बट मैंने जाना है भाई सामने बैंक पे जाना है और शर्जील भाई ने भी गाड़ियों का रिव्यू करना है। शर्जील भाई यहाँ पे गाड़ियों का रिव्यू करेंगे या दूसरी साइड पे आपने जाना है? यार मैं उस तरफ जाऊँ। तो इन गाड़ियों का कब आप शुरू करोगे? ये सारी जो है ना नॉर्मल ऑप्शन, ये फुल ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी हैवी गाड़ी होनी चाहिए उस तरफ जो है ना। नहीं कितनी हैवी होनी चाहिए कम से कम मुझे भी पता चलना चाहिए ना, कम से कम यहाँ पे रोल्स रॉयल होनी चाहिए। करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए, ये कम है, ये एक करोड़ डेढ़ सवा करोड़। अच्छा एक सवा डेढ़ करोड़ की है, तो चलो फिर यार मेरे दिल है मैं बैंक पे चलता हूँ, आप चलो फिर उसी साइड पे चलो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ओके चलो यार मैं बैंक में थोड़ी सी वो कैश वगैरह जमा करवानी थी, बड़े भाई ने भेजा मुझे। फाइनली भी हम लोग जो है वो आ चुके हैं, अपना टोकन वगैरह लेके बैठ चुके हैं। हम लोगों ने अपनी कैश वगैरह थे डिस्पोजिट वगैरह करवा लिए, बट मजे की बात आप तो आपको बताऊं कि भाई अभी जो है ना वो डिपॉजिट वाली मशीन भी उन्होंने अपने पास रख ली है। जैसे कि हम लोग कैश निकलवाते हैं इसी तरह हम लोग अभी मशीन पर जाके डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, बट अभी मेरा थोड़ा सा जल्दी टाइम हो गया था तो उसके रिलेटेड मैं आपके लिए अलग बना दूंगा वीडियो के डिपॉजिट कैसे जो है वो पेमेंट करवाते हैं। अभी जो है मैं आ चुका यहाँ पे शोरूम पे, तो यहाँ पे जो भाई शर्जील भाई जो है अपनी गाड़ी का ड्राइव कर रहे हैं। शर्जील भाई आज इस गाड़ी का रिव्यू करना है? यार ये आज गंदी है, नहीं कल पे आपने ले की है। अच्छा अभी पीछे बाइक पे भी पार्किंग आप ही लगाओगे? लगा के दिखाओ ना जरा मेरे व्यूअर को, पता चले गाड़ी भाई चला सकते हैं या नहीं, फुल कट करके जाने दो बैक। तो ये जो भी शर्जील भाई लगा रहे हैं, चेक करते हैं इनकी ड्राइविंग कैसी है, पक्की है भाई? पीछे के लगाने गए, आप आगे का लगा रहे हो दोबारा, जाने दो पीछे दूसरी तरफ कट करो यार, जाने दो सीधी कर लो, अभी सीधी कर लो। ये हो गया भाई, सही चलाने नहीं आती तो ना चलाया करो, ये ना होगी कभी आपकी सामने कर तो दिया और क्या कर तो दिया, ये ना होगी कहीं गाड़ी को ठोक दो तो फिर देखते रहो मेरा मुंह और मैं तुम्हारा। अच्छा सही चलानी आती है क्योंकि भाई गाड़ी पार्क, बट इसका जो है ना कल रिव्यू करेंगे, आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदी है। और आज के दिन में हम लोग ये छोटी गाड़ी पकड़ी हुई है ये करते हैं और इसके साथ फिर आगे जो है ना ब्लैक सिविक है उसका करना है। फाइनली अभी हम लोग यार आ चुके हैं वापसी घर में, तो आज हम लोगों ने जस्ट एक गाड़ी का रिव्यू किया, बाकी हम लोगों ने सिविक का करना था, सिविक भाई चली गई थी और शाम का टाइम भी हो गया। और अभी हमारे जो है ना किचन में हम लोग आ गए हैं, खाना शाना अपना रेडी कर रहे हैं, खाना शाना तो रेडी कर रहे हैं शर्जील भाई, लेकिन मुझे जो है ना थोड़ा सा काम पड़ गया, मैंने भी जाना है भाई फैजाबाद में। तो फैजाबाद मैंने किस लिए जाना है, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हम लोग इन ड्राइव अपनी बुक करवा रहे हैं। फैजाबाद यार मैंने जाना था डेवो अड्डे पे, वहां से हम लोगों ने कुछ सामान वगैरह लेके आना था, सर गोदी वाली साइड से हमारा जो है ना वो सामान आया था, तो वो हम लोगों ने कुछ सामान अपना लेना था घर से भेजा था। फाइनली भी हम लोग जो है ना आ चुका भाई फैजाबाद अड्डे पे, तो अभी हम लोगों ने जाना है भाई वो क्या बोलते हैं यार डेवो पे, डेवो वाली अड्डे पे जाने, तो वहाँ से हम लोगों ने अपना सामान भी करना है। और बाकी आज मैं बाइक के जरिए आया था, बाकी मैंने मेट्रो के जरिए आना था, लेकिन अभी जो है ना वो बाइक पे हम तो थोड़ा सा जल्दी भी हो गया, बाकी हम लोग चलते हैं यार उस साइड पे, हम लोगों ने जाना वो सामने जो है ना वो डेवो का अड्डा है, तो अभी शोर भी काफी ज्यादा है, बट अभी हम लोग चलते हैं रोड क्रॉस करते हैं और ट्रक वगैरह तो काफी ज्यादा खड़े हुए हैं भाई। सर अभी बाइक पे बैठ के तो मुझे जो है ना थोड़ी बहुत सर्दी भी लग रही है, तो अभी सामान चेक करते हैं, अगर सुबह में कोई अपर वगैरह पड़ा हुआ तो फिर वही पहन के ना वापसी जाएंगे। ये हम लोग जो है ना आ चुके हैं अभी यार, अभी जो ना मैं आ चुका हूँ भाई डेवो अड्डे पे, तो यहाँ से जल्दी भाई अपना देखते हैं और टोकन इनको दिखाते हैं और सामान अपना पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो ना कहा है एक और थोड़ा सा काम पड़ गया, तो भाई मुझे सब काम के लिए भेजते हैं, वो कहते हैं भाई आप साथ साथ अपनी वीडियो भी बना लिया करो और हमारा काम भी हो जाएगा। बाकी गाड़ी आ गई है तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। यार इस वीडियो में मैं आपको डेवो का रिव्यू भी दूंगा कि भाई जो हम लोगों ने सामान अपना मंगवाया है वो क्या हमें जो है ना वो सही रिसीव हुआ है या नहीं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है, बस अभी जो है ना बसें आ रही हैं और जा रही हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं भाई।
अभी यार मेरे लिए जो ना दो मसले बन गए। सबसे पहले मसला तो ये है मेरे मुझे जो है ना भाई सर्दी लगने लगी, और दूसरा ये है कि भाई मुझे वो कह रहे हैं कि भाई जिनके नाम पे जो है ना सामान है उनका आईडी कार्ड लेके, बट मेरे पास तो आईडी कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस मुंह उठा के आ गया हूँ। जो स्लिप उन्होंने मुझे व्हाट्सएप सेंड की थी कि भाई ये जो है ना टोकन है हमारा वहाँ से बुक करते हुए, तो वही मैं लेके आऊँ। लेकिन अभी वो कह रहे हैं भाई जिनके नाम पे आया है उनका आईडी कार्ड भी चाहिए। लेकिन अभी भाई वो तो मज़े से सोए हैं, मैंने 50 काले की अभी तक वो उठा ही नहीं रहे। बस मुझे जो है ऐसी बहाने से सर्दी भी लग रही है, अभी वेट करते हैं फिर आईडी कार्ड आते हैं तो फिर सामान पकड़ते हैं। सामान पकड़ते हैं फिर हम लोगों ने जल्दी से जल्दी पहुंचना भी है। अभी जो है मुझे आधे से पौना घंटा हो गया वेट करते करते, तो अभी जो ना काले में कर रहा हूँ, बट वो अभी जो है ना वो कॉल पिक ही नहीं कर रहे। पता नहीं क्या सीन है यार, मेरे दिल है वापस चला जाऊँ लेकिन फिर कल नहीं मैं आऊँगा वापस। लेकिन अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं उनका। तो काफ़ी देर बाद ये स्लिप मिली है मुझे, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से अपना ले लेते हैं भाई सामान। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टाइम हो गया पानी वगैरह पीते हैं। तो फाइनली यार अभी हम लोगों ने अपना सामान वगैरह तो ले लिया। ये भाई बिस्तर वगैरह है, अभी इसको खोल नहीं सकता। बस जल्दी से जल्दी हम लोग बैठते हैं भाई मेट्रो में। बात पहले तो मैं बैगे पे आया हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने मेट्रो पे बैठना है। और दूसरा वो मेरी काले भी नहीं पिक कर रहे भाई। अभी मैंने अपना आईडी कार्ड दिया, फोटो कापी वगैरह दिया है, तो फिर मैंने सामान हासिल किया। अभी जल्दी से जल्दी मेट्रो पे बैठते हैं, बाकी डिटेल आगे शेयर करते हैं। घर से जो है वो बिस्तर है, लेकिन आज जिस तरह इसने मुझे तंग किया ना, मेरे दिल आज दो तीन दिन बल्कि 5-10 दिन जो है ना आराम सुकून से मैं इसी बिस्तर में मैं अकेले ही सोऊंगा। ऐसे तो भाई काम नहीं चलेगा ना भाई, उठा के लेके जा रहा हूँ और इसमें सोए कोई और फिर जाके। बस मेरे पास टाइम शॉर्ट है, 6:30 हो चुकी है, 7 बजे तक मैंने पहुँचना है। देखते हैं पहुँचेंगे या नहीं। फाइनली भी हम लोग भाई मेट्रो में तो बैठ चुके, बट आज मेट्रो में यार बहुत ही ज्यादा जो है ना वो रश लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आज समझ जैसे कि मेट्रो में नहीं, आज हम लोग किसी और ही बस में बैठे, सामान मेरा चेक कर लो और मेरे जो चेक कर लो, आगे पीछे लोग खड़े हुए हैं। बट आजकल पता नहीं मेट्रो में रश किस चीज का है, आपको आइडिया है आजकल क्यों रश लगा हुआ है ज्यादा? अच्छा आप पहली दफा है इसलिए। चलो यार देखते हैं, सफर को एंजॉय करते हैं भाई। मैंने भी जो है वो जल्दी जाना था ड्यूटी पे, तो इसलिए मैंने भी कहा बस एक दफा मेट्रो के अंदर चले या फिर पहुंच जाएंगे। बाकी अभी हम लोग बैठे तो नहीं है, खड़े ही हुए हैं और देखते हैं बस हमें जो ना कब सीट मिलती है बैठने के लिए। सर ऐसे ही है, ऐसे ही है, मिलनी चाहिए सीट मिल जाएगी। हाँ बस शुक्र है जगह मिल गया भाई खड़े होने की, यही बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली अभी हम लोग जो है वो उतर चुके हैं। यार इसे पकड़ पकड़ के मेरे हाथ देखो यार कैसे जो है ना वो रेड हो गए हैं, ये देखो ये चेक करो बिल्कुल जो है ना वो रेड हुए पड़े हैं। फाइनली अभी हम लोग बैठ चुके हैं भाई बाइकिया पे, तो पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी घर में। अभी जो है ना हम लोग आ चुके हैं भाई वापस घर में, लेकिन अभी शर्त ये है कि भाई ये वाला बिस्तर मैंने आपको बताया कि पहला दिन जो है ना वो मैं ही सोऊंगा। असलान भाई इधर आए ना यार, किधर चले गए आप? इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, कैसे हैं आप? अच्छा अभी आपकी भी आपकी गुड मॉर्निंग है। यस ये आप इतने मजे से कह रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं उधर क्या कर रहा था। मैंने आपको पता कितनी काले की हैं, ये चेक करवाए जल्दी दिखाएं मुझे, ये चेक करें यार मैंने कितनी काले की आपको, ये सारी की सारी मैं आपको काले कर करके थक गया तो आप इधर मजे से सोए में। अच्छा ये बात है, बस ये करने से वो खत्म हो जाएगा सीन। मर्जी आपकी। अच्छा अभी शर्त ये है कि जो इस बिस्तर पे सबसे पहले मैं सोऊंगा। ओके उस्ताद, ठीक है, ओके पक्की बात है। चलो अभी इसको अभी नहीं चेक करते, इसको जो ना बाद में चेक करेंगे जब शर्जील भाई भी और अब्दुल्ला भाई भी आएंगे उस टाइम चेक करेंगे। मैं बाइक दिया हुआ था तो मेरे आने से पहले जो ना शर्जील भाई ने भाई इसको जो ना ओपन करके देख लिया कि भाई इसके अंदर क्या है। शर्जील भाई इसके अंदर क्या क्या देखा आपने? यार एक ये पैंटों का बैग है, इसमें 4-5 पैंट है। अच्छा इसके अंदर पैंटे वगैरह, और इसके अंदर बाकी क्या है इसमें? उसमें नहीं मैंने देखा, बस एक सहारा मिला। अच्छा एक तकिया निकाल लिया और बाकी भाई मुझे जो नजर आ रहा है भाई कंबल ही नजर आ रहा है। बाकी यार मैं तो सोच रहा था कोई अपर वगैरह होगा, सर्दी वगैरह पहन के आऊंगा, लेकिन वो सीन तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि आज मैं बिस्तर पे सो के रहूंगा। और वाकई भी आपको एक मजे की बात बताऊँ, तो वो भी फिलहाल ड्यूटी पे है, तो उन्होंने सुबह तकरीबन 9-8 बजे आना है। और दूसरी भाई ये वाली चेक करो यार, ये भी बहुत ज्यादा मजे वाली है। मेरे दिल ये मैं ले रही तो बल्कि भी मैं और मजीद देख लू, तो भाई देख सिर्फ कंबल ही रहा, लेकिन कंबल के अंदर जो है ना मजबूत तरीके से डाली है कि पता ना चले कि भाई अंदर क्या चीज है और क्या नहीं है। अभी तक उन्होंने जिनका सामान आया उन्होंने अभी तक नहीं देखा, बट मैंने जो है ना वो सारा निकाल के देख रहा हूँ भाई। ये चेक करो भाई, ये पैकिंग हुई हुई थी, ये पहन के ना चेक करते हैं भाई कैसी लग रही है। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में बताने का भाई कैसी लग रही है, अगर मुझे पसंद आ गई तो भाई मैं उन्हें बोलूंगा कि भाई मैं नहीं लेके हूँ, आपकी तो है ही नहीं है, आपके घर वालों ने भेजी नहीं है। कैसी लग रही है यार? सही लग रही है, सही लग रही है। बस ये मेरे दिल में मैं ही ले लेता हूँ,
और असलाम भाई कुरानी देखें बताएंगे नहीं, आप लोगों ने मेरे कमेंट में लाजमी बताने का भाई ये वाली जर्सी जो ना मुझे कैसी लग रही है। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि नबील व्लॉगर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा मजे के लेके आने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि डांस वगैरह और पब्लिक में और भी काफी ज्यादा करता हूँ, तो वो भी लेके आएंगे। बस आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताने का भाई ज्यादातर मेरी जो है वो डांस वाली बेस्ट रहती है या रिएक्शन वीडियो बेस्ट रहती है। सो मिलता है नई नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। तनु पहला नहीं थी पता सबसे चिटाली गुजराती मुंडे असी मुंडे गुजराती एवं नहीं फिर दे तेरे सारे वैरी साढ़े वैरी बने फिर दे तेरे शहर आवांगे तेनु लेके जावांगे तेरे डैडी जी नु एक मिनट ज मनावांगे साडे ना तू प्यार करे डैडी नाल इंकार करे इंज नहीं होंदा सोनिए डू यू लाइक दिसु गुजराती मुंडे रमो लाइक यू गुजराती मुंडे रमो बक गुजराती मुंडे आए रमो लाइक गुजराती मुंडे आए गुजराती मुंडे आए। ये देखें जी नाजरीन ग्रामी, ये इतने ये इधर से आए, ये बैठे हुए गुजराती मुंडे, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।